नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले T20 मैच को लेके। देखिए, हमारा जो PSL है ना, वो बहुत ही शानदार चल रहा है। हर मैच में हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं और उसी को कैरी ऑन करते हुए वेस्ट इंडीज और इंडिया की जो सीरीज शुरू हो रही है, इन सारे मैचेस में भी हम लोग है वो क्लीन स्वीप करने वाले हैं। अब देखिए, क्लीन स्वीप करेंगे कैसे। अगर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग रेगुलर जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में रखा जो बेल आइकॉन है ना, उसको प्रेस कर लेना, जिससे कि सबसे पहले आप वीडियो देख सके। अब देखिए, वीडियो में आपसे वो सारी चीजें सजेस्ट की जाएगी आपको, जिससे कि आप एक बेहतरीन टीम बना सके। जैसे कि कौन से प्लेयर्स आपके लिए रिस्की हो सकते हैं, किन कौन से प्लेयर्स आपके लिए सेफ हो सकते हैं, ट्रंप कार्ड जो ट्रंप पिक्स होगी वो कौन सी हो सकती है, बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन, सारी चीजें हैं वो आपसे वीडियो में डिस्कस की जाएगी, जिससे कि आपको ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग की टीम बनाने में बहुत मदद मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। यहां से देखिएगा, हम लोग बात करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच को लेके हम लोग डिस्कस करें। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। दोस्तों, फाइनल अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि जिन मैचेस को हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से कवर नहीं कर पाते हैं, उनकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। प्लस यहां पे इस मैच में आपको काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो वो चेंजेस क्या होते हैं, कोविड के कैसे जा रहे हैं, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। यहां से देखिएगा, वेन्यू को लेके बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में यह मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट को लेके बात करते हैं। देखिए, ये जो पिच रही है, यहां पे एक चीज की काफी सालों से यहां पे वनडे क्रिकेट खेला नहीं गया है। ये जो पिच रही है ना, ये आप ऐसा मान सकते हो कि एवरेज पिच रही है। जी हाँ, एवरेज पिच रही है, जिसमें थोड़ी सी कैपेबल है, जिसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर है वो यहां पे अच्छा कर सकता है। साथ ही साथ स्पिनर्स को यहां पे मदद मिलती है। जी हाँ, जो स्पिनर्स है वो इस पिच पे अच्छा खासा कर लेते हैं, तो बस ये चीज आप लोग ध्यान में रखना है। यहां से देखिएगा, टोटल 23 मैचेस खेले गए हैं, 12 पहले बैटिंग करने वाले ने और 11 मैचेस है दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 244 है जो कि यहां का एवरेज स्कोर है, जो कि मुझे लगता है कि अभी इस जो मैदान में ना, वो काफी चेंजेस किए गए हैं, इसका नाम बदला गया है, काफी सारे चेंजेस है वो पिचेस वगैरह पे किए गए हैं, ग्राउंड पे किए गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस एवरेज स्कोर के साथ भाई मत चलना। सीधी सी बात बोलता हूं, आपको शायद कोई ना बताए, लेकिन आपको पता होगा कि मैदान जो ग्राउंड है उसका नाम चेंज हुआ, ग्राउंड में चेंजेस किए गए, पिचेस में चेंजेस किए गए, तो यहां पे इस 244 को मत लेके चलना, ये बढ़ सकता है और 270-80 मुझे लगता है बनना चाहिए, और इंडिया पहले बैटिंग करे तो मे बी 300 भी क्रॉस होना चाहिए। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, स्कोरिंग पैटर्न में देखिएगा, 200 से नीचे का स्कोर है जो कि 5 टाइम्स बना है, 200 और 249 के बीच का 6 टाइम्स बना है, 250 और 299 के बीच का 8 टाइम्स बना है, और 300 के अबाउ 300 प्लस का जो स्कोर है वो 4 बार बना है। तो इस चीज को आप लोग देखिएगा, 300 से नीचे के जो स्कोर है ना, वो काफी बार बने हैं, यानी कि 19 मैचेस में 300 से नीचे का स्कोर बना है, केवल 4 मैचेस में 300 प्लस गया है, तो ये पहले के मैचेस है, रिसेंट में कोई मैचेस हुए नहीं है काफी सालों से, तो थोड़ा सा इसको कम फोकस करना, बाकी आप समझदार हैं। अब देखिएगा, लास्ट के जो दो हेड टू हेड मैचेस यहां पे खेले गए हैं, अब इनको लेके बात करें, उससे पहले मैं आपको माय 11 सर्कल के बारे में बता दूं। दोस्तों, माय 11 सर्कल वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी एंड ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जिसके जो ब्रांड एंबेसडर है लक्ष्मण, सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, इसका मतलब एकदम ट्रस्टेड एप्लीकेशन है आपकी। इसके साथ साथ यहां पे आपको ऑफर्स बहुत मिलती है,
यहां पे माय 11 सर्कल पे आपको जितने ऑफर्स मिलेंगे ना, आपको किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आप लोग 5 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो, यानी कि 500 रुपए लगा के आप है उसके बदले में 3000 रुपए कमा सकते हो। कैसे? आप यहां पे चैंपियंस के साथ खेल सकते हो। चैंपियंस का मतलब ये होता है कि इस एप्लीकेशन का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब अगर आप लोग उस लिंक से डाउनलोड करोगे तो आप है वीवीएस लक्ष्मण के साथ है वो खेल सकते हैं। जी हाँ, आप लोग वीवीएस लक्ष्मण के साथ खेल सकते हैं। और अगर आप लोग वीवीएस लक्ष्मण को बीट करते हैं, यानी कि वीवीएस लक्ष्मण को आप हराते हैं, तो आपको 5 गुना ज्यादा कैश मिलेगा। जी हाँ भाई, 5 गुना। और वीवीएस लक्ष्मण को आप हरा सकते हैं, हम हराएंगे साथ में मिलके। साथ ही साथ अगर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट डिपॉजिट जब आप लोग करोगे ना तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। अरे अरे यार, आपको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है जो किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा। बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। और 1500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा। 1500 रुपए बहुत होते हैं, 1500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए और इस एप्लीकेशन पे एंजॉय कीजिए। इस एप्लीकेशन पे एंजॉय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पे खेलें। अब देखिएगा, यहां से जो लास्ट के 2 मैचेस खेले गए ना इस मैदान पे, वैसे इनको है वो काफी टाइम हो गया है खेले हुए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करते हुए 260 के, इंडिया ने 244 के 10 विकेट पर। यहां से 15 विकेट्स गिरी 9 फास्टर 4 स्पिनर्स को। फिर मैच हुआ, श्रीलंका ने 274 किए और इंडिया ने 275 किए। 12 विकेट्स गिरी 3 फास्टर्स और 8 स्पिनर्स। अब देखिए, इन दोनों मैचेस को टाइम तो वैसे काफी हो चुका है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो यहां पे स्पिनर्स को मदद मिलती है। स्पिनर्स यहां पे अच्छा कर लेते हैं, बस ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अब देखिएगा, इंडिया की बात करते हैं। अब देखिए, इंडिया में यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं, अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खेले थे। केएल राहुल डाउटफुल है। जी हां, केएल राहुल के खेलने के चांसेस नहीं है। तो केएल राहुल की जगह ओपन कौन कर सकता है? केएल राहुल की जगह ओपन कर सकते हैं एक तो ईशान किशन के चांसेस है, या फिर मयंक अग्रवाल को स्क्वाड में शामिल किया गया है। अभी तो क्वारंटीन है, बट क्वारंटीन से बाहर आ जाएंगे तो मयंक अग्रवाल या फिर ईशान किशन है वो आपको रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हुए दिख सकते हैं। यह चीज आप ध्यान में रखना। विराट कोहली, आपको पता है, 1 डाउन। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग प्लस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव है। वाशिंगटन सुंदर यहां पे खेल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, इनको है वो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, ऋतुराज गायकवाड़ वगैरह। तो यहां से वाशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं, जो कि ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है, इनके सारे की पोजीशन लिखी है यहाँ पे। जो यहाँ पे कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल का जो पेयर है, जिनको मैक्सिमम मैचेस में अच्छा करते हुए देखा गया है, ये दोनों आपको दिख सकते हैं एक साथ। जो केएल, सॉरी, यूजी चहल और कुलदीप यादव है, आपको एक साथ दिख सकते हैं। और मोहम्मद सिराज यहां पे जो मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं, इनकी भी यहां पे वापसी हो सकती है। श्रेयस अय्यर वगैरह पॉजिटिव है यहां पे। अगर किसी के खेलने के चांसेस है, ईशान किशन, मयंक अग्रवाल और वाशिंगटन सुंदर, या फिर वाशिंगटन सुंदर की जगह दीपक हुड्डा भी खेल सकते हैं। जी हाँ, दीपक हुड्डा भी खेल सकते हैं। अब देखिए, प्लेयर वाइज इनकी रिसेंट फॉर्म वगैरह हम लोग है वो चेक कर लेते हैं। देखिएगा, रोहित शर्मा का 48 का एवरेज है जब ये ओडीआईज में खेलते हैं। 227 मैच खेल चुके हैं, 9000 के प्लस ये स्कोर कर चुके हैं, रन्स कर चुके हैं, और 88 का एवरेज है। वनडे में बहुत अच्छा कर लेते हैं, स्पेशली वेस्ट इंडीज के सामने इनके काफी बढ़िया रिकॉर्ड्स हैं। केएल राहुल की रिसेंट फॉर्म देखेंगे, यहां पे जब अफ्रीका के अगेंस्ट खेले थे, वैसे इस मैच में भी खेलने के चांसेस कम है, कुछ खास रहा नहीं था, एक मैच में 55 जरूर किए थे। विराट कोहली ने काफी बढ़िया नॉक खेले थे, 2 मैच 2 हाफ सेंचुरी है, 1 मैच में डक भी आउट हुए थे। सूर्य कुमार यादव है वो आए, 1 मैच खेले थे, वो भी 3rd ODI जहां पे 39। पर्सनली मुझे सूर्य कुमार यादव बहुत बढ़िया प्लेयर लगते हैं। सूर्य कुमार यादव जब भी खेले, और अगर ये पोजिशन 4 नंबर पे मुझे लगता है शायद नहीं रहे, अगर 4 नंबर पे रहती है ट्राई ले सकते हो। श्रेयस अय्यर कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं और अफ्रीका के अगेंस्ट में कुछ खास फॉर्म नहीं थी, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं और इस मैच में खेलेंगे नहीं। ऋषभ पंत का भी देखिए, 3 ODIs मैच हुए थे, 1 मैच में 85 किए थे, उसके अलावा इसका भी कुछ खास स्कोर नहीं था।
इसका मतलब इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। उसके अलावा यहां से शार्दुल ठाकुर, अब देखिए शार्दुल ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है, क्यों? यहां पे बैटिंग से, बैट से आपको पॉइंट्स दिए, बॉलिंग से नहीं दिए, यहां पे बैट प्लस बॉलिंग से दिए, यानी कि अगर ये आपको बैटिंग से पॉइंट नहीं दे रहे हैं तो बॉलिंग तो इनकी मेन है ही, लेकिन अगर बॉलिंग से भी नहीं दे रहे हैं और अगर इनके बैटिंग के चांसेस होते हैं, बैटिंग करते हैं, तो आपको बैटिंग से पॉइंट देके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपैक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है इंडियन टीम के लिए और जो फैंटेसी टीम है उसके लिए। उसके अलावा दीपक चहर जो अफ्रीका के अगेंस्ट है, वो एक ही मैच खेले थे लास्ट मैच, जहां पे दो विकेट निकाली थी, प्लस 49 के अराउंड का स्कोर किया था और इंडिया को जिता भी सकते थे उस वक्त। तो दीपक चहर बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों से पॉइंट दे सकते हैं और वेस्टर्न डिवीजन को है वो शुरुआत में दिक्कतें कर सकते हैं। यजुवेंद्र चहल का भी कुछ खास रहा नहीं था जो साउथ अफ्रीकन दौरा था, तीन मैच में दो विकेट निकाली थी। मोहम्मद सिराज अभी तक एक ओडीआई मैच खेले हैं, अभी तक इनको विकेट मिली नहीं है। उसके अलावा कुलदीप यादव है, जिनके लास्ट के चार मैचेस है वो कुछ अच्छे रही नहीं है ओडीआईज में, और जो रिसेंट फॉर्म भी रही है वो कुलदीप यादव की कुछ खास नहीं रही है। लेकिन ओडीआईज में जिस तरीके से इंडियन टीम को हार मिल रही है उसको देखते हुए यहां पे कुलदीप यादव और जो यजुवेंद्र चहल है उनको शामिल, एक साथ है वो शामिल किया गया और मुझे लगता है दोनों को एक साथ लाया गया है, तो दोनों इस मैच में मुझे लगता है खेलने चाहिए और खेलने के हाई चांसेस है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखने का। वेस्ट इंडीज की देखिएगा, वेस्ट इंडीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रैंडन किंग है, शाई होप है, ये ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा यहां से निकोलस पूरन है, सैमरा ब्रुक्स है, डेरेन ब्राउ है, कायरन पोलार्ड है, फैबियन अलैन शायद ना खेले, और फैबियन अलैन की जगह या तो आपको अल्जारी जोसेफ दिख सकते हैं या फिर केमार रोज दिख सकते हैं। उसके अलावा जैसन होल्डर है, अकेल हुसैन है, ऑडेन स्मिथ है और रोमारियो सैफर्ड है। जी हाँ, ये 11 प्लेयर्स आपको दिख सकते हैं, बाकी इंपोर्टेंट हैडियन वॉल्स भी है, केमार रोज भी है, जोसेफ अल्जारी जोसेफ भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 11 प्लेयर्स खेलने चाहिए। लेकिन जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिए जाएंगे, ये चीज आप लोग है वो ध्यान में रखना। उसके अलावा अब देखिएगा ये क्या करके आए हैं, ये क्या करके आए हैं, ब्रैंडन किंग अभी 4 मैच खेले हैं, 97 रन किए हैं और 24 का एवरेज है वनडे में, और अभी जब इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 खेल रहे थे वहां पे भी एवरेज था, उतना भी कुछ खास फॉर्म दिखा नहीं था, एक मैच में जरूर हाफ सेंचुरी की थी। उसके अलावा स्कोर्स काफी अच्छे थे, लेकिन अजय हम वनडे क्रिकेटर की बात करते हैं तो उतना इंपैक्ट है वो ब्रैंडन किंग नहीं डाल पाते हैं। शाई होप अजय वनडे क्रिकेटर बहुत शानदार प्लेयर है, और अभी जो आयरलैंड के अगेंस्ट शायद इनकी चल रही थी सीरीज, आयरलैंड था या जिम्बाब्वे था दिमाग में पूरा नहीं है, आयरलैंड था शायद मेरे हिसाब से, तो वहां पे अच्छा कर रहे थे, एवरेज किया था, उतना भी कुछ खास है वो किया नहीं था। निकोलस पूरन ने एकदम ही फ्लॉप रहे थे, अभी जो रिसेंट सीरीज थी वो भी एक वीक टीम के सामने, जो वेस्ट इंडीज के कंपैरिजन में काफी वीक टीम है उसके सामने, यहां पे निकोलस पूरन के स्कोर्स देखिए 13-1-2 ये स्कोर रहे थे, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है। अभी जो T20 सीरीज चली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट वहां पे भी एक मैच में स्कोर किया था, उसके अलावा कुछ खास कर नहीं पाए थे। उसके अलावा सैमरा ब्रुक्स है, इन्होंने काफी बढ़िया नॉक्स खेली थी अभी आयरलैंड के अगेंस्ट, एक 93 किया था, एक 43 किया था और लास्ट मैच में एक रन बना के आउट हुए। डेरेन ब्राउ 30 का एवरेज है, वनडे में अच्छा खासा कर लेते हैं काफी, मतलब आप T20 में जब लेके चलते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है फंसते हैं क्योंकि ज्यादा अटैकिंग नहीं करते, लेकिन वनडे क्रिकेट की तरफ से देखते हैं तो इंपैक्ट वाले प्लेयर है वेस्ट इंडीज की टीम से अगर देखते हैं तो शाई होप और डेरेन ब्राउ। उसके अलावा कायरन पोलार्ड का भी कुछ खास फॉर्म अभी चल नहीं रहा है, और जब यहाँ पे इंग्लैंड के अगेंस्ट अभी ये जो T20 लीग चल रही सीरीज चल रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अपने से ऊपर रोमारियो सैफर्ड, जैसन होल्डर सबको भेज रहे हैं और खुद अपने आप को बहुत नीचे प्रमोट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे दिमाग में नहीं बैठा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। उसके अलावा फैबियन अलैन है, 17 का एवरेज है और विकेट्स भी उतना कुछ विकेट टेकर गेंदबाज नहीं है। उसके अलावा यहां से जैसन होल्डर, लास्ट के 3 अगर ओडीआई मैचेस की बात करते हैं, 1-0 विकेट, यानी कि इनका भी ओडीआई में कुछ खास नहीं था, वो भी एक वीक टीम के सामने, लेकिन अभी आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट जो T20 सीरीज हुई है भाई, बहुत शानदार गेंदबाजी किया जैसन होल्डर ने। अकील हुसैन मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगते हैं, जी हाँ अकील हुसैन अच्छा कर सकते हैं, और जो इंडियन टीम है राइट हैंड बैट्समैन थोड़े से ज्यादा ही है, अगर ईशान किशन खेल जाए तो वो एक अलग मैटर है कि ईशान किशन हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, यहाँ पे ऋषभ पंत हो गए, अदरवाइज काफी राइट हैंड बैट्समैन है तो वहां पे अच्छा कर सकते हैं। ऑडेन स्मिथ है, उतना आप मतलब जहां तक है रोमारियो सैफर्ड, ऑडेन स्मिथ, ये सभी है ना, ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दे सकते हैं, लास्ट तक आपको बैटिंग मिलेगी, लास्ट तक अकील हुसैन जिसको मैं उतना बैट्समैन नहीं मानता,
आता था वो भी आपको है, वो एक एक मतलब एक न, मतलब एक जो सिचुएशन होती है वहां पे वो भी आपके छक्के छुड़ा सकता है भाई। इंग्लैंड का आपको यानी दूसरा या फिर तीसरा T20 मैच याद होगा कि बहुत अच्छा अटैकिंग परफॉर्मेंस की थी अकील हुसैन ने, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अब देखिएगा लास्ट के जो तीन हेड टू हेड मैचेस खेले गए हैं उनको थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए ये तीन मैचेस है, यहां पे देखिएगा वेस्टइंडीज जीता, यहां पे वेस्टइंडीज जीता, यहां पे इंडिया जीता और यहां पे इंडिया जीता। तो ओवरऑल जब आप वेस्टइंडीज और इंडियन टीम को कंपेयर करेंगे इन ओडीआई ODIs में जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो इंडियन टीम वेस्ट इंडियन टीम से काफी सॉलिड है। जी हां, काफी सॉलिड टीम है। यहां पे हॉप ने देखिएगा 102 किए, हेटमायर थे 139 थे, जोसेफ को 2 विकेट और किमो पॉल को 2 विकेट मिली, रोहित शर्मा 159, KL राहुल 102, मोहम्मद शमी 3 विकेट, कुलदीप यादव 3 विकेट, उसके अलावा पूरन ने 89, कोहली ने 85, किमो पॉल को 3 विकेट, नवदीप सैनी 2 विकेट। तो ओवरऑल देखेंगे यहां पे शाई होप अच्छा दिखे, जोसेफ अच्छा दिखे, रोहित शर्मा अच्छा दिखे, केएल राहुल अच्छा दिखे, यहां पे कुलदीप यादव अच्छा दिखे, उसके अलावा पूरन ने एक मैच में परफॉर्म किया। उसके अलावा अब देखिएगा पूरन वगैरह ना, इनको तीन मैचों की सीरीज है तो तीन में से एक मैच में ही परफॉर्म कर सकते हैं, तो बस अगर आपकी राइट चॉइस हो गई उस मैच में ले लिया तो भाई सब मैच में क्लीन स्वीप होगा। कैसे होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। कोहली ने अच्छा किया और यहां से और कोई है नहीं, नवदीप सैनी भी पॉजिटिव चल रहे हैं, तो इन प्लेयर्स पे फोकस आप लोग कर सकते हो। इतने प्लेयर्स हैं जो कि लास्ट के तीन मैचेस में परफॉर्म करके आ रहे हैं। जी हां, इतने प्लेयर्स हैं यानी कि 4-3-7 प्लेयर्स हैं जो कि लास्ट के तीन मैचेस में है वो हेड टू हेड में परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, यानी कि जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती है तो देखिएगा यहां पर फोकस करना। विराट कोहली का 72 का एवरेज है, 39 मैच में 2235 रन किए हुए हैं। रोहित शर्मा का 60 का एवरेज है, उसके अलावा केएल राहुल का 58 का और श्रेयस अय्यर का 53 का एवरेज है। यानी कि जो टॉप चार के हैं, यहां पे टॉप चार के वैसे नहीं, यहां पे जो टॉप थ्री है ना वो यहां पे देखिएगा 50 प्लस के एवरेज से खेल रहे हैं। हालांकि केएल राहुल के खेलने के चांसेस कम है। ऋषभ पंत का 25 का एवरेज है, 9 मैच खेल चुके हैं वेस्ट इंडीज की टीम के सामने और इनका 25 का एवरेज है। तो अगर ओडीआई क्रिकेट से देखते हैं तो थोड़ा सा बहुत कम एवरेज है। शिखर धवन का 33 का जो कि खेलेंगे नहीं, ब्रैंडन किंग का 39 का एवरेज है जो कि एक ही मैच खेले हैं हेड टू हेड में, शाई होप का 53 का 17 मैच में 693 रन बना चुके हैं, 53 का एवरेज है काफी बढ़िया है, और निकोलस पुरन का भी 58 का एवरेज है। जी हां, निकोलस पुरन भी देखिए, डेरेन ब्राउ का 38 का एवरेज है 20 मैच में 611 और कायरन पोलार्ड का 28 का। तो कायरन पोलार्ड उतना नहीं दिखे वेस्ट इंडीज की तरफ से, एक तो निकोलस पुरन और एक जो शाई होप है जो 50 के प्लस के एवरेज के साथ दिखे हैं, तो फोकस कर सकते हो। शार्दुल ठाकुर 2 मैच में 2 विकेट, दीपक चहर 2 मैच में 1 विकेट, उसके अलावा यूजी चहल 5 में 8, कुलदीप यादव 15 मैच में 24 विकेट। फोकस करना इस बंदे पे, 15 मैच में 24 विकेट है कुलदीप यादव के। फैबियन अलैन 6 में 2, जैसन होल्डर 22 मैच में 18 विकेट, उसके अलावा यहां से देखिएगा केमार रोज जिनके 22 मैच में 24 विकेट और अल्जारी जोसेफ है जिनके 7 मैच में 10 विकेट। यहां पे वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे हाईएस्ट टेकर गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है केमार रोज, तो इस चीज को आप लोग देखते चलिएगा। ये इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है। प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं तो देखिएगा रोहित शर्मा को जैसन होल्डर ने 2 टाइम्स आउट किया हुआ है, 155 मतलब 134 रन भी काफी है। उसके अलावा केमार रोच ने 3 बार आउट किया हुआ है, जी हां केमार रोच ने है वो रोहित शर्मा को 3 टाइम्स आउट किया हुआ है। केएल राहुल को जैसन होल्डर ने 1 बार, विराट कोहली टू जैसन होल्डर 4 बार आउट किया है, 252 गेंद में 223 रन, यानी कि 100 के स्ट्राइक रेट से नीचे का स्ट्राइक रेट है लेकिन 4 बार आउट किया है। केमार ने 2 बार, फैबियन अलैन ने नहीं किया, श्रेयस अय्यर यहां से मुझे लगता है खेलेंगे नहीं तो बाद में फोकस करेंगे। यहां से ऋषभ पंत है, फैबियन अलैन ने आप देखिए 1 बार आउट किया है, फैबियन अलैन ने 1 बार, शाई होप टू शार्दुल ठाकुर 1 भी बार आउट नहीं किया अच्छा खेले, दीपक चहर ने 1 भी बार आउट नहीं किया अच्छा खेले, यूजी चहल ने 1 भी बार आउट नहीं किया लेकिन रन्स देखे स्ट्राइक रेट में थोड़ी सी दिक्कतें हुई है। उसके अलावा कुलदीप यादव ने 2 टाइम्स आउट किया लेकिन मार्जिन भी बहुत बड़ा है, रन्स भी काफी ज्यादा किए हैं शाई होप ने कुलदीप के सामने। निकोलस पुरन टू ठाकुर 1 बार और कुलदीप यादव ने है वो 1 बार आउट किया हुआ है। तो दोस्तों ये थे प्लेयर्स स्टेट वाइज जो कि आपकी मदद करेंगे। अब आपकी टीम कैसी होनी चाहिए चलिए इस पे हम लोग है वो डिस्कस करते हैं कि किन कंडीशंस में आप लोग है वो किस प्लेयर के साथ जा सकते हो या फिर मैं किस प्लेयर को है वो यहां पे लेने वाला हूं, तो चलिए इस पे हम लोग है डिस्कस कर लेते हैं। काफी लोग फैंटेसी के बारे में बोलेंगे तो यहां से देखिएगा
यहां से सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से बात कर लेते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको एक तो देखिएगा शाई होप आपको मिलेंगे, जी हाँ यहां से देखिएगा, एक तो शाई होप है आपको, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, निकोलस पुरन है, ईशान किशन है। अब देखिए केएल राहुल के खेलने के चांसेस कम है, खेले ले सकते हो। मैंने यहां से शाई होप को लिया, ऋषभ पंत खेलेंगे तो यहां पे आपके लिए एक अदर ऑप्शंस बनते हैं। अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करे तो आप लोग है वो ऋषभ पंत के साथ जा सकते हैं। अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करे यहां पे निकोलस पुरन एक आपके लिए अदर ऑप्शन रहेंगे और ईशान किशन खेल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मयंक अग्रवाल और जो ईशान किशन है वहां से दोनों में से एक खेलेंगे। मयंक अग्रवाल से ईशान किशन थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, दोनों ही अटैक करना पसंद करते हैं तो वो चीज ध्यान में रखना, दोनों डिफरेंशियल रहेंगे। बैटिंग सेक्शन से बात करते हैं, बैटिंग सेक्शन की बात है, रोहित शर्मा को लिया है, विराट कोहली को लिया है, शिखर धवन खेलेंगे नहीं, ब्रैंडन किंग एक आपके लिए अदर ऑप्शंस बनते हैं, थोड़ा सा इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है जो ब्रैंडन किंग है, वो उतना इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है, दिक्कतें शायद कर जाए और इस ब्लैक मतलब युजवेंद्र चहल वगैरह के सामने और फंस जाए। उसके अलावा डेरेन ब्राव एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बनते हैं। अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे तो आप लोग डेरेन ब्राव को फोकस कर सकते हो, बढ़िया प्लेयर है। एज ए ओडीआई क्रिकेटर की हम बात करते हैं तो डेरेन ब्राव है, थोड़ा सा संभल के खेल लेते हैं, थोड़ा सा क्लासिकल खेलना पसंद करते हैं, अमोंग द ग्राउंड खेलना पसंद करते हैं, इंपैक्ट वाले प्लेयर है इन ओडीआईज। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव है, थोड़ी सी पोजीशन नीचे रहेगी, दैट्स वाइज आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, क्योंकि पोजीशन अगर चार नंबर रहती है तो ऑफकोर्स आप लोग जा सकते हो, अदरवाइज देखिए अगर छह नंबर पांच छह नंबर पे आते हैं थोड़ा रिस्की रहेंगे। मयंक अग्रवाल के भी अब देखिए सैमरून ब्रुक्स है, उतना इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन ले सकते हो। उस वैसा ही मयंक अग्रवाल का एक कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, यहां से मुझे लगता है कोई खेलेगा नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करते हैं, देखिएगा जैसन होल्डर को लिया, कायरोन पोलार्ड, अब देखिए कायरोन पोलार्ड को लेना है कि नहीं लेना है ये डिपेंड करेगा उनकी बैटिंग पोजीशन पे, कायरोन पोलार्ड को लेना है कि नहीं लेना है ये डिपेंड करेगा इनकी बैटिंग पोजीशन पे। एक बार के लिए मैंने कायरोन पोलार्ड को जरूर लिया है, लेकिन जो फाइनल अपडेट मिलेगी कि कायरोन पोलार्ड को लेना है कि नहीं लेना है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शार्दुल को लिया है, उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर अगर खेले तो आप ले सकते हो, चांसेस थोड़े से कम है बट खेल सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर। बॉलिंग सेक्शन में दीपक चहर को लिया, उसके अलावा रोमारियो सैफर्ड को मैं लेके जाऊंगा। देखिए आप लोग अकील हुसैन को ले सकते हो, बहुत बढ़िया गेंदबाज है, दिक्कतें कर सकते हैं, लेकिन मैं रोमारियो सैफर्ड बिकॉज ऑफ कि आपको थोड़ा सा अटैक करके दे सकते हैं, रन दे सकते हैं। यूजी चहल को लिया है, आवेश खान के खेलने के चांसेस कम है, प्रसिद्ध कृष्णा के खेलने के चांसेस कम है, मोहम्मद सिराज आपको दिखेंगे, आपके लिए एक अदर ऑप्शंस बनते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कुलदीप यादव को लिया, तो यहां पर आपके पास अदर ऑप्शंस में देखिएगा ऑडेन स्मिथ है, जी हां ऑडेन स्मिथ है, वो भी आपके लिए एक ऑप्शंस में रहेंगे, लेकिन मैंने यहां से चार बॉलर्स को एक बार के लिए लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं, ये देखिएगा अब यहां से कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें, अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करे विराट कोहली को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी आप किसको दे सकते हो, वाइस कैप्टनसी आप या तो आप शाई होप या फिर आप किसको दे सकते हो यहां से जैसन होल्डर। जी हां एक तो शाई होप आपके लिए बढ़िया वाइस कैप्टनसी के लिए रहेंगे, एक आपके लिए जैसन होल्डर है जो कि एक बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए रहेंगे। अदरवाइज ग्रैंडली खेलते हो वहां पर रोहित शर्मा को एक आधा टीम में जरूर ड्रॉप करके जाना, ग्रैंड लीग अगर खेलते हो तो रोहित शर्मा को है आप लोग जरूर ड्रॉप करके जाना एक दो टीम में, बस इन चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये हमारी टीम रहेगी। बाकी जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। माई इलेवन सर्कल को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना मेरे भाई, ऐसे ऑफर्स जैसे जैसे ऑफर्स मिलेंगे आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, प्लस 1500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड कर लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।